हे हेलो गाइस, तो ये है ग्रीन सोल का जुपिटर एको हाई बैक एर्गोनॉमिक होम ऑफिस चेयर, ठीक है, जो कि 6 महीना पहले ही मैं इसका अनबॉक्सिंग कर दिया था और इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर बताया था। तो अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन देखना है, वैसे तो इस चेयर के साथ आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिल जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपका मन है इंस्टॉल करने का तो आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसकी वीडियो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर मैंने इसे 6 महीने यूज़ कर चुका हूँ, तो इसके क्या है पॉजिटिव पॉइंट, क्या है नेगेटिव पॉइंट, तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर नहीं है, और मतलब यार इसका प्राइस भी कम है, ये केवल 7,000 वाला चेयर है, ठीक है, 7,000 में मैंने इसे परचेस किया था ग्रीन सोल का। तो यार इसमें एक ही कमी मुझे को बस लगी, और वो है इसका आर्म रेस्ट, जो कि यहाँ पे आपको फिक्स्ड आर्म रेस्ट मिलता है, ठीक है, और बाकी मुझे इसके अलावा इस चेयर में कोई भी कमी नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा बजट और हाई है 1,000-1,500 का, तो यहाँ पे आप एडजस्टेबल आर्म रेस्ट के साथ भी इस चेयर को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी पॉजिटिव पॉइंट की। तो यार मतलब पॉजिटिव पॉइंट की क्या ही बात करूँ, सबसे मुझे जो इसका खास लगता है वो लगता है यार बैक का, यहाँ पे ब्रीदेबल जो मैश मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार अब वैसे भी गर्मी का टाइम आ गया है, और गेमिंग चेयर भी यहाँ तक कि मैंने बहुत यूज़ किया है, और उसमें यार पीछे के साइड बहुत ही यहाँ पे पसीना होने लगता है, बट इस चेयर के साथ मुझे वो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे जो हेड रेस्ट आता है वो भी यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलता है, और साथ में अप डाउन भी इसे कर सकते हैं आप, और 3 साल की वारंटी आती है इस चेयर के अंदर, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। और जो यहाँ पे आपको जो नीचे मिलता है सारा मेटल का मिल जाता है, जहाँ पे मजबूती तो बहुत अच्छी है इसकी, और जो फ्रेम मिलता है वो आपको फाइबर का फ्रेम मिलता है, इस यहाँ पे आपको चेयर का जो है फाइबर का फ्रेम मिल जाता है, और जो नीचे के साइड जो बैठने के लिए है वो यहाँ पे आपको फोम सीट मिलेगा। और गाइस, तो अगर आपको ये चेयर बाई करना होगा तो आप हमारे लिंक से बाई कर सकते हैं, बस इसका एक ही मुझे कमी लगा, वो है यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट जो कि फिक्स्ड है, बाकी यार इस चेयर में कोई भी कमी नहीं है। और मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो यार मतलब लुक को छोड़ा दो, तो ये चेयर ना गाइस गेमिंग चेयर से भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आप इसे 135 डिग्री तक इसे टिल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी वाली बात है। और इससे आपका जो नेक है, शोल्डर है, आर्म है, ये सब आपका यहाँ पे पेन नहीं करेगा, ठीक है, तो 135 डिग्री तक आप इसे टिल्ड भी कर सकते हो इस चेयर को। और अगर गाइस आपको इससे अपग्रेडेड चेयर चाहिए जो जो कि फिक्स्ड आर्म रेस्ट ना हो और एडजस्टेबल आर्म रेस्ट हो, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं, और आप इसे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, यहां पे इंस्टॉलेशन भी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन अगर आपका मन है इंस्टॉल करने का तो आप मेरा पुराना वीडियो देख कर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज़।